तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऊपर वाले पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेंगे, तो जो भी हमारा पहला वीडियो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू और बहुत इमीडिएट पहुंचेगा। तो वैसे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वैसे वीडियो को सर्च कर सकते हैं और एक से बढ़ के एक टॉपिक पे है और आगे आने वाले टाइम में भी एक से बढ़ के एक टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो पहला पार्ट आपने देखा होगा, अब यहाँ पर देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें पहले तो खोलने का दिया था और ये पूरा कंप्लीट असेंबल का है, ये असेंबल करूँगा इसमें मैं, फिट करके दिखाऊँगा। तो ये रिवर्स गियर का फॉर्क है, ये कट गया है, रिवर्स गियर में ही प्रॉब्लम थी इसमें। और ये फर्स्ट और सेकंड का है, फर्स्ट और सेकंड का, ये ओके है, यहाँ से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स गियर में है, यहाँ ठीक है ये। और अभी ये वाला है थर्ड और फोर्थ का, तो इसको मैं रिपेयर करवाऊँगा और फिर इसको रिपेयर करवाने के बाद इसको फिट करूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और गियर बॉक्स था हमारे पास, तो मैंने उसकी ये बैरिंग डाली है। तो इससे क्या है, बैरिंग से आवाज़ आ रही थी, जब आवाज़ आती थी तो आइडल पे ऐसे लगता था गियर बॉक्स के अंदर कुछ टक 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 की आवाज़ आ रही थी, कुछ ऐसा लगता था कुछ बैरिंग की आवाज़ है। तो इस बैरिंग को डाला है मैंने, नया लगाया है। अब मैंने कंप्लीट इसको फिट कर दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं इसको इस तरह लगाऊंगा नहीं। तो मैं अब इसको असेंबल करने जा रहा हूँ, इसको पूरा निकालूंगा। अब ये मैंने यहाँ निकाल दिया है, निकालने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये रिवर्स गियर का आइडलर है, आइडलर गियर है ये रिवर्स का, जो ऊपर से लगाया मैंने। अब इसमें ये फॉर्क फिट कर दूंगा, रिवर्स गियर वगैरह भी इसमें सारे फिट हो जाएंगे, यहाँ से आराम से लग जाता है ये। अब इसको हम यहाँ से पूरा सेट कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड, अब सब सेट करके हमने इस पे हाउसिंग का रख दिया है बिल्कुल सीधा करके। तो यहाँ से अब यहाँ से सेंटर करके और फिर यहाँ से अंदर कर देंगे, आराम से लग जाता है ठीक। तो मैं इसको अब लगा लेता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और इस वीडियो में मुकेश भाई ने बताया भी है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ से मैंने इसको कर दिया फिट पूरा, अब हमें लगाना है साइड के जितने भी शिफ्टर के वो पिन हैं वो लगा दिए मैंने, चार पिन है, दो ऊपर दो नीचे, वो लगा दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने फॉर्क भी लगा दिया, इसमें फॉर्क लगा दिया। अब इसमें चेक कर रहा हूँ मैं, थर्ड और फोर्थ मतलब तीसरा और चौथा गियर है ये, आगे जो दिख रहा है रिवर्स गियर भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब बाकी की जो फिटिंग है अब उस पर थोड़ा फोकस करते हैं ठीक। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, यहाँ से अब अंदर जितने भी है पिन ऊपर नीचे, फर्क रोकने वाली जो पिन होती है चार होती है इसमें, तो मैं इसको अब फिट कर दिया। अब इसमें सीलेंट लगाकर इसकी फिटिंग करेंगे प्रॉपर, दूसरी वाली हाउसिंग इसके ऊपर वाली वो लगाएंगे। तो मैं अभी इसको निकालूंगा, फर्क निकाल दूंगा, दोबारा लगाऊंगा इसको, क्योंकि मैं इसको पूरी फिटिंग के बाद गियर ऑयल डालूंगा इसमें। तो पहले अब मैं इसका डिफरेंशियल रख लूंगा यहाँ पर, अभी न्यूट्रल पोजीशन पे है, आराम से घूम रहा है। अब मैं इसमें लगाऊंगा सीलेंट, सीलेंट ये हमारे पास ओरिजिनल सीलेंट है, और
सीलेंट लगा दिया मैंने, और ये मैग्नेट है इसका, जो कि ये मैग्नेट होना ज़रूरी है, ये नीचे की साइड में गियर बॉक्स की नीचे की साइड में होता है ताकि जो मेटल कटे वो यहाँ पर आकर चिपक जाए। वैसे इन गियर बॉक्स में इतनी जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं है, पर वो तो हर गियर बॉक्स में आता है ये मैग्नेट। तो अब मैं इसकी हाउसिंग फिट कर दिया मैंने। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, जितने भी हाउसिंग के अंदर भी बोल्ट है बाहर भी, वो हाउसिंग मैंने कर दिए परफेक्ट। अभी इधर के कुछ बोल्ट रह रहे हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, और ये पांचवे गियर का फॉर्क और गियर है तो मैं इसको भी अभी फिट करने जा रहा हूँ। और ये साइड का कवर, ये निडल बैरिंग पांचवे गियर की, फिफ्थ गियर की निडल बैरिंग है। यहाँ पर सारे बोल्ट मैंने टाइट कर दिए हैं, तो पहले मैं जिस गियर को लगाऊंगा, और अब यहाँ पर सारा कंप्लीट गियर यहाँ पर हम इसको फिट कर देंगे, जो कि सैंक्रोनाइजर रिंग होते हैं, और इसको अलग किया नहीं था मैंने। वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ से आप पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये है पांचवे गियर का फॉर्क। तो अब मैं इसके दोनों लॉक लगा दिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। अब इसका पांचवे गियर का जो फॉर्क है वो भी लगाना है। थोड़ा सा घुमा तो मैं अब इसको कंप्लीट कर दूँगा यहाँ से। इसमें सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा तामझाम नहीं है, सिंपल है। हाथ हटाना यार। हाँ, तो यहाँ से ये फर्क लग गया पांचवे गियर का। अब मुझे इसका साइड कवर लगाना है। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से जितना भी काम था हो गया। अब यहाँ से इसकी पैकिंग बढ़िया से साफ करके और ये कवर लगाना है। तो मैं इसको करता हूँ फिर कवर को। यहाँ पर ये स्क्रू है T30, तो स्क्रू है ये 5-6 स्क्रू, जो कि यहाँ से पैक हो गया। ये ऑलमोस्ट फिटिंग हो ही गई है सारी। यहाँ से ये जितने रिवर्स गियर के भी बोल कंप्लीट हो गया है। अभी गियर ऑयल डालना है। गियर ऑयल इसमें लाइफ टाइम होता है। ये मेरे पास ओरिजिनल जो कंपनी का गियर ऑयल होता है, वो जो कंपनी डाल के देती है वो वाला है। तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है। लाइफ टाइम मतलब, लाइफ टाइम कहने का मतलब ये होता है, अगर गियर बॉक्स में कभी प्रॉब्लम आती है तो ही चेंज करना है, नहीं तो गियर ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं 2 लीटर के आसपास डाल दूँगा, 1.9 लीटर इसकी कैपेसिटी है, तो 1.9 लीटर इसमें डाल दूँगा। और इसके गियर ऑयल ग्रेड के बारे में और गियर रेशियो के बारे में मैं अभी स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ, वहाँ पर देख लेना इसके गियर रेशियो क्या होते हैं और गियर ऑयल कितने डे और कौन सा डलता है, कौन सा ग्रेड होता है, ये सब मैं स्क्रीनशॉट में मेंशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है मैनुअल गियर का है, 5-speed मैनुअल गियर, गियर बॉक्स लीटर कितने लीटर का है, इंजन में आता है, इंजन कोड होते हैं ये, और इंजन असाइनमेंट मतलब जो भी है। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक गियर ऑयल कैपेसिटी 1.9 लीटर, और रिक्वायरमेंटेड गियर ऑयल जो है वो इसमें गियर ऑयल का ग्रेड लिखा हुआ है, और क्लच कंट्रोल हाइड्रोलिक, और लाइफ टाइम के लिए होता है ये लाइफ टाइम गियर ऑयल। उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइफ टाइम का मतलब
अगर कभी गियरबॉक्स में प्रॉब्लम आती है तभी चेंज करना है, नहीं तो नहीं है। एक बात और, लाइफ टाइम जो गियर ऑयल होता है वो हर गाड़ियों में नहीं होता है, किसी किसी गाड़ियों का शेड्यूल अलग है। तो आप ये मत समझना कि हमारी भी गाड़ी का लाइफ टाइम गियर ऑयल होगा, आपकी कंपनी जो बताएगी वही करना है। अभी हम आपको स्कोडा फॉक्सवैगन ऑडी के गियरबॉक्स के बारे में ये जो बताया है तो इसमें लाइफ टाइम होता है। आप ये सोचो कि मारुति में भी लाइफ टाइम है तो उसमें लाइफ टाइम नहीं होगा। तो अभी मैंने इसको कंप्लीट फिट कर दिया, अब मैं इसको चेक करूँगा। बस यार, तो यहाँ से एक बार दोबारा से चेक करूँगा और इसके अंदर फिर क्लच रिलीज बैरिंग लगाऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।